रांची हत्याकांड के विरोध में लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले का किया विरोध। रांची के किशोरगंज के पास काफिला रोकने की कोशिश, सीएम हेमंत सोरेन को रास्ता बदलकर लौटना पड़ा आवास। झारखंड सरकार के निर्देश पर सभी विभाग बजट तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग के अधिकारियों के साथ रांची में बैठक की। विश्रामपुर से बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया। काम सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसे करने का नहीं कहा, जो जहां है वहीं छोड़ने का काम किया। आपको मैं बताना चाहूँ, दुर्भाग्य की बात है कि हमने 3 मेडिकल कॉलेज जो है बड़ी मुश्किल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे सरकार जो है लाया था। चाईबासा में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में कई अधिकारी भी शामिल रहे। सिविल कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि यदि झारखंड हाईकोर्ट 5 जनवरी को फिजिकल कोर्ट शुरू नहीं करने का आदेश देगा तो अधिवक्ता संघ 6 जनवरी से आंदोलन करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी के बयान के विरोध में राज्य भर के करीब 15,000 डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। कुलकर्णी ने कहा था, आधे डॉक्टर काम नहीं करते और आधे भारी भरकम दहेज के लिए डॉक्टर बनते हैं। आज IMA का विरोध है, ब्लैक बैज लगा के पूरे झारखंड के जितने हमारे 15,000 चिकित्सक हैं वो विरोध व्यक्त कर रहे हैं आज। चांडिल के नीमडी प्रखंड के रामनगर टोला डुमरी कोल के रहने वाले भूषण महतो का जमशेदपुर में इलाज के दौरान हुई मौत। विधायक सविता महतो ने अस्पताल प्रबंधन से बात कर 40,000 का बिल माफ कराया। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के बरबैया बाजार में सेट पिकेट के पिकेट प्रभारी आशीष सिंह ने लवकेश सिंह नामक युवक बेवजह बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पिकेट घेर लिया और जमकर हंगामा किया। सरायकेला प्रखंड कार्यालय के पास 3 बाइक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, सभी घायलों को इलाज के लिए TMH रेफर किया गया है। सारण के गरका थाना क्षेत्र के महामदा गांव में ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मुंगेर जिला के बरियारपुर में बीजेपी विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम सड़क हादसे में हुई जख्मी। हादसे में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विभिन्न थाना क्षेत्रों से 8 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। इन लोगों का अपराध, ये लोग जो है सीतामढ़ी जिले में इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें से 3 अपराधियों का। इसके अलावा कुछ अपराधी जो की कथैया थाने से संबंधित है, उनमें लूट और डकैती की योजना बनाने के केसेस में जेल जा चुके हैं। इमामगंज में डीलरों की मनमानी के खिलाफ जमकर बवाल, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने किया सड़क जाम। इधर जाम की सूचना मिलते ही कोटी थाना अध्यक्ष ने समझा बुझाकर जाम तोड़वाया। मुजफ्फरपुर में सरकार के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, इस दौरान राज्य सरकार के दोहरा नीति के खिलाफ जताया आक्रोश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के बंदगांव घाटी में नक्सलियों ने शक्तिपुंज बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित। बेटा के श्रीरामपुर टोला में असामाजिक तत्वों ने जमकर मचाया उत्पात, विवादित जमीन पर हुए निर्माण को किया क्षतिग्रस्त, वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जमीन विवाद में डायन का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने एक दंपति की हत्या कर दी। घटना नौवा मंडी थाना क्षेत्र के तोड़े तोपा गांव की है, वहीं पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चाईबासा पुलिस ने भाकपा माओवादी जोनल कमांडर जीवन कंडुलना दस्ता के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने सुनुआ थाना को घेराव कर हंगामा किया। अरवल में भाकपा माले के जिला सचिव ने किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, इस दौरान कृषि कानून के विरोध में 5 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना देने की तैयारी। 9 महीने बाद फिर से गुलजार हुए मुजफ्फरपुर के कई स्कूल, कोविड से बचाव को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने छात्रों को दी विशेष जानकारी, वहीं सभी नियमों को पालन करने का भी निर्देश दिया। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी और प्रखंड प्रमुख के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, इस दौरान सुनी गई ग्रामीणों की समस्याएं। पोटका जुड़ी पहाड़ी का रहने वाला छोटा गोप सालों से मानसिक रूप से बीमार है। गरीब परिवार वाले बीमारी का इलाज करने में असमर्थ है और उसके पैरों में जंजीर बांध दी गई है। मधुबनी में नए जिलाधिकारी अमित कुमार ने संभाला अपना कार्यभार, इस दौरान जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। इस मौके पर DM ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता को दी जाएगी विशेष प्राथमिकता। सहरसा में निवर्तमान SP राकेश कुमार के कैमूर स्थानांतरण पर किया गया विदाई समारोह का आयोजन, वहीं विदाई समारोह में SP DM सहित अन्य वरीय पदाधिकारी रहे मौजूद। पूर्णिया के नए SP दयाशंकर ने किया पदभार ग्रहण, इस दौरान कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जनता के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की होगी।
रोहतास के नए जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान सासाराम के समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कक्ष में जिले के अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।